इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 4%, पार्टनर्स के लोन पे देयर इज आल्सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 5%, और बैरी सैलरी भी रिसीव कर रहा है 8,000 पर एनम की। प्रॉफिट लॉस आर टू बी शेयर 3/5 आईना एंड 2/5 बैरी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वॉज अवेलेबल ऑन 1 May। कैपिटल अकाउंट दिए हुए दोनों के, विच इज फिक्स कैपिटल अकाउंट्स। करंट अकाउंट दिए हुए, आईना का 800 डेबिट है विच इज नेगेटिव, और बैरी का 6,500 क्रेडिट है विच इज पॉजिटिव, और लोन टू पार्टनरशिप जो बैरी ने दिया हुआ है 40,000 का, जिस पर बेसिकली 5% इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। बैरी इंक्रीज हिज कैपिटल इन द पार्टनरशिप बाय 20,000 ऑन 1 November, तो उसने पार्टनरशिप में मजीद कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है 20,000 का 1 November को, और ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर जो है वो आपको बताई हुई, आईना की 7,500 और बैरी की 10,000 है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर लोन इंटरेस्ट दिया वाज 19,800, तो बिफोर लोन इंटरेस्ट है ये। तो पहले आप क्या करेंगे, 40,000 आपका लोन है, इस पर 5% इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपका आएगा 2,000, और वो जो लोन इंटरेस्ट है वो आप माइनस करेंगे, तो 17,800 से आप क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट करना सॉल्व करेंगे। मैंने ये सवाल चमन करवा तो नहीं दिया हुआ कहीं? नहीं करवाया जी। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम बनाते हैं जी अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साइन आ जाएंगे इधर आपके। हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर से। अब हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वो आपका है जी 19,800, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप 2,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 40,000 का 5%, ठीक है जी, वो माइनस कर देंगे, तो आपको जो बाकी आएगा 17,800, दैट इज योर प्रॉफिट, जहां से आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम ऐड कर लेते हैं जी, सबसे पहले क्या होता है इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स यहां पे ऐड हो जाता है, और करंट अकाउंट में से हम उसको माइनस कर देते हैं। करंट अकाउंट में प्रॉफिट भी ऐड होता है, ड्रॉइंग्स भी माइनस होती है, इंटरेस्ट ड्रॉइंग भी जो है वो माइनस होती है, सैलरीज ऐड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऐड होता है, लेस होता है, ऐड होता है। अब देखते हैं कि कितना इंटरेस्ट है हमारा, तो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपका। ड्राइंग्स दी हुई है 7,500 की, आईना की और बैरी की 10,000 की, तो मैं ए और बी के नाम से इसको यूज कर लेता हूँ। ए की जो है 7,500 पे परसेंट है जी 6%, और बी का देख लेते हैं हम 10,000 पे कितने परसेंट जी 6%, तो 7,500 का 6% आप निकालें कितना आ जाएगा जी, देखिए टोटल कर देंगे इसका, टोटल आपका आ जाएगा जी 1,050। ठीक है जी, इसके बाद हम लेस करेंगे जी इसमें से क्या बोला सैलरीज, लेस सैलरी, सैलरीज देखें किसको किसको मिली है, दोनों में से किसी एक को मिल सकती है ऑब्वियसली, लेट्स चेक इट आउट टू हूम वी आर गोइंग टू मेक द पेमेंट फॉर सैलरीज। तो सैलरीज आर बैरी को दी है हमने कितने की 8,000 पर एनम, तो बैरी की सैलरीज हम माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि वो पे करनी पड़ेंगी आपको 8,000, तो वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे हम, क्योंकि एक ही बंदे की है ना, और इसको हम आगे सॉल्व भी कर लेंगे। 17,800 प्लस 1,050 तो आपका आ जाएगा 18,850।
इसमें से सैलरीज माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा जी 8850। ठीक है जी, अब इसमें से लेस कर देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी बात है वो तो दोनों का ही आएगा, ए का भी यानी के आईना का भी और बैरी का भी, यहां पे हम लिख लेंगे जी ए का, देखते हैं हमारे पास कितना कैपिटल दिया हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो 4% इंटरेस्ट इज पेड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, आईना का 50,000 और बैरी का 20,000 है, तो आईना का 50,000 में निकालते हैं हम 4% इंटू 4%, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,000। उसके बाद बेरी का निकाल लेते हैं, बेरी का जो इंटरेस्ट आप निकालेंगे उसको जो कैपिटल है वो 20,000 है, उसके ऊपर आप निकालेंगे 4% पूरे साल का और इसमें ऐड करेंगे मजीद 20,000 पे आप निकालेंगे एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, देखिए जरा सवाल में दोबारा मैं जाता हूँ, ये देखिए आईना का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप निकालेंगे वो 20,000 पे निकालेंगे जो उसका कैपिटल है बेसिकली, 4% वो आपका 800 आ जाएगा, और लेकिन उसने मजीद कैपिटल भी इंट्रोड्यूस किया चमन, मेरी इंक्रीज हिज कैपिटल इन द पार्टनरशिप बाय 20,000 ऑन 1st नवंबर 2014, 1st नवंबर को मजीद कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो वो कैपिटल बिजनेस में कितने टाइम पीरियड के लिए रहा है, आप थी नहीं क्लास में, ठीक है जी, वो कैपिटल जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में रहा है, वो बेसिकली टाइम पीरियड के लिए रहा है 20,000 नवंबर से लेके तो 30th अप्रैल तक, ठीक है जी, तो 30th अप्रैल तक वो हमारे पास रहा है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 मंथ का इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे 4% और इनटू 6/12, क्योंकि 20,000 का कैपिटल तो पूरे साल था लगा हुआ था उस पर, तो आपका निकल आया 4% 800, लेकिन बाकी जो 20,000 है वो आपने नया इन्वेस्ट किया है उस पर 4% हमने निकाला है सिर्फ कितने मंथ्स का 6/12, तो कितना आ जाएगा 400, तो 800 पूरे साल का जो 20,000 के ऊपर है और 400 जो आपने निकाला है, तो 1200 आपका आ जाएगा परसेंट कैपिटल जो आप यहां से माइनस कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आप लिख लेंगे वो आपका आ जाएगा 3,200। इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आने के बाद जी, अभी मैंने ये करना है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है, ड्राइंग्स की अमाउंट पर 6% वो ऐड कर ली, सैलरीज माइनस कर दी जो बैरी को मिल रही थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे आप, एक को जो कैपिटल है एक का वो 50,000 है, 4% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है विच इज 2,000 और बी का जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है वो 20,000 है, उस पर निकालेंगे डेफिनेटली 4% वो आ जाएगा 800, लेकिन बी ने मजीद कैपिटल भी साल के दौरान इन्वेस्ट किया है, मजीद कैपिटल जो मजीद कैपिटल साल के दौरान उसने इन्वेस्ट किया है वो उसको वो बिजनेस कैपिटल में वो कैपिटल बिजनेस में रहा है ओनली फॉर 6 मंथ्स, तो उस पर निकालेंगे 20,000 इंटू 4% इंटू 6/12 वो आपका आ जाएगा 1200, 2000 प्लस 1200 बिकम्स 3200 और फिर हम 8850 में से माइनस कर देंगे 3200, तो आपका 5650 प्रॉफिट जो है वो फाइंड हो जाएगा विच इज बेसिकली 5650 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, एंड दैट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी शेयर्ड ऑब्वियसली। और ये प्रॉफिट किसमें शेयर होगा, सारी बातें आईना और बैरी में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे उनकी रेशो के हिसाब से, रेशो क्या उनकी हमें देखनी पड़ेगी, देख लेते हैं, रेशो उनकी है जी क्वेश्चन में जो कि दी हुई है 3/5 और 2/5, ये लिखी हुई प्रॉफिट लॉस आर शेयर्ड 3/5 एंड 2/5, हम निकाल लेते हैं पहले आईना का निकाल लेते हैं ए की,
3 डिवाइडेड बाय 5 और b का आ जाएगा जी 5650 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक का आता है 4237.5, प्रॉफिट की रेशियोस की आती है 4237.5 और दूसरी की आएगी 5650 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, वो आ जाएगी 2260, नहीं आनी चाहिए 5650 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 2260 आ जाएगी। उसके फिर पहले वाले की शायद थोड़ी गलती निकाली मैंने, चेक कर लेते हैं 2260 5650 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 वो आती 3390, आई एम सॉरी ऊपर वाली है वो 3390, तो गलत हमने उसको रिकॉर्ड किया है, यानी ये जो है ना वो 3390 है, इसको मिटा के दोबारा कर लेते हैं हम, कोई बात नहीं है। हेलो 3390 इसका हम कर लेंगे टोटल 3390 प्लस टोटल आपका वही आ जाएगा, सारी बात है 5650। ये हमारा क्वेश्चन जो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5650। ये प्रोफेशन कौन डाली इसमें, कोई मसला है मुझे बताएं, समझ आ रही है आपको? नहीं सर इसमें कोई मसला नहीं है। जी अब हमें बनाने हैं जी करंट अकाउंट, तो हम करंट अकाउंट बनाते हैं जी हम इसके बाद, तो करंट अकाउंट बनाना आसान है, उसके लिए हम एक प्रिंट शॉप और खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं करंट अकाउंट्स, तो करंट अकाउंट्स जो है वो आपने डेफिनेटली बनाने हैं आइना का और बेरी का, और इस साइड पे भी आपके आ जाएंगे करंट अकाउंट्स जो आपने बनाने हैं। आइना का और बेरी का, इसको हम आप जरा इसकी कॉलम बना लेते हैं, इसकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। आइना और बेरी का हमने करंट अकाउंट जो है वो बनाना है। सबसे पहले इसमें आपका आ जाता है ब्रॉड डाउन बैलेंस, ब्रॉड डाउन इधर भी हो सकता है और ब्रॉड डाउन इधर भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकते हैं ना, सारी बात है। देखते हैं हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए करंट अकाउंट बैलेंस आइना का 800 डेबिट है और बेरी का 6500 क्रेडिट है, तो आइना का जो है ना वो 800 डेबिट है और उसका जो है 6500 क्रेडिट है आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस, ठीक हो गया। सबसे पहले हमारा क्या आता है प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर जो हमने निकाला है, एक का हमने निकाला था 3390 और एक का हमने निकाला था 2260, ले देंगे प्रॉफिट शेयर हमने कर दिया। इधर आपकी डेबिट भी क्या आ जाएंगी ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स माइनस हो जाती हैं ना सर में करंट अकाउंट में से, ये वही इफेक्ट है जो हम कैपिटल में करते हैं, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, इसी तरह करंट अकाउंट में प्रॉफिट ऐड हो रहा है बिकॉज क्रेडिट का मतलब ऐड हो रहा है, डेबिट का मतलब माइनस हो रहा है। तो कितनी ड्राइंग्स देख लेते हैं हम, ड्राइंग्स दी हुई 7500 आइना की और 10000 दी हुई है मेरी की, 500 और 10000, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो इधर आ जाएगा आपका, वो माइनस होता है हमारा, इंटरेस्ट
just on drawings. देखते हैं वो कितना दिया था हमें क्वेश्चन में, बल्कि हमने वो निकाला है ऑलरेडी, निकाल चुके, कैलकुलेट किया हमने इधर 450 और 600 हम लिख लेंगे. इसका कितना है जी 450, इसका कितना है जी 600, ये माइनस हो जाएगा ना, सारी बात है. इधर आपकी आई थी सैलरीज, और क्या आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन एक चीज और है जो इधर आनी है, वो है लोन. पर्सनल लोन जो है वो भी क्रेडिट साइड पर आएगा, और उस पार्टनर में करंट अकाउंट में वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जिसने लोन पर इंटरेस्ट जिसको मिला है. और बैरी को मिला है इंटरेस्ट ऑन लोन, और कितना था वो 2000 का था, वो हम लिखेंगे उसके अकाउंट में. सैलरीज जो है इसको मिल रही है, सैलरीज बैरी है, और वो कितनी है बैरी की 8000. देख लेते हैं हम क्वेश्चन में भी जाके, बल्कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखते हैं अपने. सैलरी टू बैरी 8000 है राइट, और लोन पे हमने पहले इंटरेस्ट निकाला था वो 2000 लिखा था ऊपर. यहाँ से ये प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा, लेकिन करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, उस बंदे करंट अकाउंट में क्रेडिट पे आएगा जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसको हमने इंटरेस्ट के पैसे पे करने हैं. जो इंटरेस्ट वसूल करेगा बिजनेस से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 2000 और 1200 वो हम लिख देंगे. इधर आपका आ जाएगा जी 2000, और इधर आपका आ जाएगा जी 1200. ठीक हो गया जी, बस यही चीजें आनी थी, हम टोटल कर लेंगे इसका. तो टोटल अगर आप देखें तो एक का डेबिट बैलेंस आएगा और एक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है. मेरे हिसाब से आईना की जो डेबिट साइड है ना वो बड़ी है, उसको टोटल कर लेते हैं. 7500 प्लस 800 प्लस 450 आ जाएगी 8750. यहाँ पे लिख देंगे हम 8750, इधर भी वही आ जाएगा सारी बात है 8750 ऑब्वियसली. ठीक है जी, और इसे माइनस कर देंगे हम डेबिट साइड में से, क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, माइनस 3390 और माइनस 2000, आपका 3360 आ जाएगा यहाँ पे 3360. इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है आपका इसका. ये आपका नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन ऑब्वियसली. इधर लिख दूंगा मैं 3360. अब दूसरे देखते हैं उसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, पता चल रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है उसकी. देख लेते हैं टोटल क्रेडिट साइड का, 6500 प्लस 2260 प्लस 8000 प्लस 1200 प्लस 2000 आपका जाएगा 19960. इधर भी वही आ जाएगा सारी बात है 19960, उसमें से माइनस कर देंगे आप 10,000 माइनस 600 9360 आपका आ जाएगा आंसर. यानी 9360 आपका आ जाएगा कैरी डाउन. इसका क्रेडिट बैलेंस बड़ा है, इसका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इधर कैरी डाउन आपका आ जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा फिर हमारा ब्रॉड नॉन. इधर आ जाएगा कितना जी 9360. ठीक है जी, ये हमने करंट अकाउंट भी जो है वो बना लिए, कैसे बनते हैं और कौन कौन से बनते हैं इसमें देखें. तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, सो दैट आई कैन हैंडल योर इश्यूज इफ देयर इज एनी. नो सर, नो इश्यूज. सर, इसके बाद हम कौन सा चैप्टर करेंगे? आपने कौन सा करना है? सर, पॉसिबल है कि आप बेसिक्स रिवाइज करवा दें?
बेसिक्स की बुक्स बुक्स ऑफ प्राइमेट्री, बुक्स ऑफ प्राइमेट्री की कोई मसला नहीं हो जाएगा, मैं आपको लेक्चर भेजता हूँ, अभी भेजता हूँ, ठीक है, आई हैव टाइम, ठीक है, तो मैं आपको लेक्चर भी भेजता हूँ बुक्स ऑफ प्राइमेट्री के, ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा भी जो हम अब कल स्टार्ट करेंगे रात को 8-10 पे, जो भी चैप्टर हम डिसाइड करेंगे आपस में वो हम स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी मैं कल वैसे पार्टनरशिप ही कराना चाह रहा हूँ, अभी ये वीक में पार्टनरशिप कराना चाह रहा हूँ, बिकॉज पार्टनरशिप में आपके इस पार्टनरशिप पेपर में आपके आना है, ओके, ये बता दिया आपको मैंने पहले से, पार्टनरशिप का सवाल पेपर में आ रहा है तो पार्टनरशिप का सवाल सॉल्व करें, मेरी बुक में भी है ऑब्वियसली, और कुछ आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आवाज ब्रेक हो गई है, दोबारा बताना पड़ेगा। आवाज आपकी ब्रेक हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है ये वाला लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, तो आई ट्राई टू सॉल्व इट टुमारो इन द क्लास, जिसमें मैं चाहूंगा कि फुल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं, ये वाला 702 पेज वाला, या कम से कम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट तो मैं सॉल्व करूं, 19-22 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन जो मेजर थे ये मैंने दिए हैं, लेकिन ये सारे आपने करने नहीं है, वजह पता क्या है, इसके एडजस्टमेंट्स तो आप समझ सकती हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं करने, उसकी वजह ये है कि आप ये जो लेंथी क्वेश्चन है ये पेपर में नहीं आते, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन पेपर में आना बंद हो गए हैं, अब आपको स्मॉल क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो कि आएंगे, इसलिए लंबे लंबे लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप रीड कर सकते हैं, उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं, ये तो हमने कर लिया ना, जैसे कि शुरू के जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व करें, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने दिए हैं स्टार्ट में वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हैं, ये तो पेपर में आने का इनका कोई चांस नहीं है, लंबे डाटा के क्वेश्चन अब नहीं आते, 20 नंबर का सवाल आना है ना, अब तो 20 नंबर के हिसाब से उसने डाटा देना है आपको पेपर में, लेकिन ये किसकी एडिशन इन्फॉर्मेशन को आप रीड आउट कर सकती हैं, ये हमने कर लिया था चूंगो टेन वाला कर लिया था मेरा ख्याल है, अगर नहीं किया आपने तो इसकी पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें आपने घर में करना है, ये इसका आपने बनाना है प्रिपरेशन अकाउंट और करंट अकाउंट, पिक्चर ले लें इसकी आप, इसकी पिक्चर ले लें चमन आप, इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर क्वेश्चन कर लिया हुआ तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जैसे ये क्वेश्चन है आपका ये बेल और हार्वर्ड का, ये मैंने करवाया था, इसकी पिक्चर ले लें, ये भी आपने करना है, या आपने कर, मैंने करवा दिया आई थिंक सो ऑलरेडी, Already we have done that question. Okay. इस तरह जो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकती हैं, ठीक है, घर में करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकती हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है वो आप कर सकती हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 8, 3 ये आप सॉल्व कर सकती हैं घर में करें, 5, 8 और 3, 3, 5, 8 ये आप सॉल्व कर सकती हैं घर में, ओके,
ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। जी जमन, बस मैं क्लास अब ओवर ही कर रहा था, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो 3, 5 और 8 क्वेश्चन आपने करना है घर में, 3, 5 और 8। बुक में से बुक आप लीजिएगा आज, पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 8 अपने घर में करना है। कल फिर मैं एक सवाल और इसका सॉल्व करा दूंगा पार्टनरशिप का, और फिर हम इसको क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर के चले जाएंगे। बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री की मैं आपको अभी भेज रहा हूँ, वीडियो लेक्चर में अभी भेज रहा हूँ बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री का। ओके, उसके दो लेक्चर हैं, पहले आज एक भेजूंगा, एक जुम्मे को भेजूंगा। ओके, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। राइट, ओके, अल्लाह हाफिज़।